दिल्ली में तनातनी जारी है। भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी की जंग, लेकिन इस बीच सीबीआई दफ्तर में पूछताछ चल रही है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से। और बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनकी मौजूदगी है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं। आज सुबह जिस तरह से निकले, राजघाट पहुंचे मनीष सिसोदिया और तमाम कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, लेकिन ट्वीट्स की अगर बात करें, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की बात करें, उन्होंने हमलों की बौछार कर दी। केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, और जेल की जो बातें हैं लगातार चर्चा का विषय और जिक्र। तमाम नेताओं ने यह कहा कि गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है, लेकिन सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर आम आदमी पार्टी का यह जबरदस्त हंगामा। और इस बीच मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय में उनकी मौजूदगी, जहां उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है, पूछताछ चल रही है, लेकिन पुलिस ने तुरंत इलाका खाली करने को कह दिया है, क्योंकि धारा 144 लागू है। सीबीआई ऑफिस के पास धारा 144 लागू है, और इस बीच कई नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं उनको हिरासत में लिया है दिल्ली पुलिस ने। करके पता करना पड़े कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम क्या है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा या देश के आम आदमी से पूछूंगा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम बताओ, तो फट से आप कहेंगे मनीष सिसोदिया। ये है मनीष सिसोदिया जी की असली कमाई। 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल घोषित किया गया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करी, एक सत्तानशी सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया, तब एक कानून लाया गया था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत तमाम लोगों को, विपक्ष के नेताओं को, आर्टिस्ट को, कलाकारों को, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया था। आज सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भी वही काम करते हैं। ये कहने में मुझे रत्ती भर भी गुरेज नहीं है दैट सीबीआई, ईडी एंड इनकम टैक्स आर द न्यू मीसा। तो संजय सिंह समेत कई आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो हिरासत में लिए गए हैं, और इस पर ज्यादा जानकारी अपडेट हासिल करने के लिए सीबीआई मुख्यालय के बाहर चलते हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। अरविंद, क्या तस्वीरें सामने निकलकर आ रही हैं? अंदर मौजूदगी है सीबीआई मुख्यालय के अंदर मनीष सिसोदिया की, पूछताछ चल रही है, क्या हालात, क्या खबर? देखिए, तकरीबन 1.5 घंटे हो चुके हैं, 11:28 पर मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे और फिलहाल अंदर गए। जो थोड़ी बहुत खाना पूर्ति होती है उसके बाद सीबीआई के अफसरों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। तकरीबन 1.5 घंटे हो चुके हैं। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, तकरीबन 2 डिप्टी SP हैं, इसके अलावा कई सीबीआई ऑफिशियल हैं, जो अबकारी जो स्कैम है उससे जुड़े हुए जो जांच अधिकारी है वो, और लगातार सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इन दो एजेंसियों ने पहले जब केस रजिस्टर्ड सीबीआई ने किया था, जिसमें मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया है, उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, और सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों ने मिलाकर अब तक अबकारी घोटाले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन पिछले घटनाक्रम की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के जो बेहद करीबी है विभव, उनसे तकरीबन 2 दिन पहले पूछताछ हुई, उसके पहले सत्येंद्र जैन से सीबीआई ने जेल में जाकर पूछताछ की। इन घटनाक्रम में सीबीआई सूत्रों का कहना है कि कई एविडेंस मिले हैं, उन एविडेंस से मनीष सिसोदिया को कन्फ्रंट कराना है। तो आज अभी 1.5 घंटे की पूछताछ चल रही है, सूत्रों का कहना है कि अभी ये पूछताछ लंबी चलेगी, और अगर सीबीआई के जो सवाल है वो सवालों का सटीक जवाब मनीष सिसोदिया देते हैं, संतोषजनक जवाब देते हैं, और जो जांच अधिकारी है सीबीआई के वो अगर संतुष्ट होते हैं तो बहुत मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया को आज दोबारा अपने घर वापस जाने का मौका मिले, और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है और एविडेंस आते हैं तो फिर उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकती है। बिल्कुल अरविंद, आप नजर बनाकर रखें। मुनीश पांडे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, आपके पास क्या जानकारी, क्या खबर, कब तक ये पूछताछ हो सकती है, कितने घंटे तक चल सकती है, सीबीआई के सूत्र क्या बता रहे हैं? आशुतोष, एक लंबा दिन होने वाला है मनीष सिसोदिया के लिए। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कई और घंटों की पूछताछ होगी।
आज की पूछताछ इसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि सीबीआई सूत्रों का यह कहना है कि मनीष सिसोदिया से आज की पूछताछ सबूतों के आधार पर होनी है और ये वो सबूत हैं जिनके बिना पर हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। गिरफ्तारी की तलवार क्यों अटकी हुई है? सीबीआई का यह कहना है कि पिछले कुछ महीनों की जांच के दौरान में उन्होंने कई सबूत इकट्ठा किए जिसमें कि डिजिटल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके अलावा कई ऐसे बयान चश्मदीदों के हैं, गवाहों के हैं और आरोपियों के हैं जो कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जा रहे हैं। आज सीबीआई पूछताछ के दौरान में उन सबूतों के आधार पर ना सिर्फ सवाल जवाब करेगी, इसके अलावा बहुत मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया का उन सबूतों से आमना सामना कराया जाएगा। सीबीआई से हमने बातचीत की थी कि क्या वो महत्वपूर्ण सबूत हैं, क्या ऐसी बातें हैं जिसको लेकर वो सिसोदिया से पूछताछ करना चाहते हैं। उनका कहना है कि दो तीन मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला तो जो एक्साइज पॉलिसी आबकारी नीति दिल्ली में लागू की गई थी उसे लागू करने के पहले ही उन लोगों तक पहुंचा दिया गया था जो कि इस मामले में इस पूरे एक्साइज पॉलिसी के दौरान दिल्ली में व्यापार करना चाहते थे, शराब का व्यापार करना चाहते थे, उन लोगों को पहले पहुंचाना, इसको लेकर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सीबीआई के पास में। उसके अलावा डिजिटल एविडेंस है, व्हाट्सएप की वो तस्वीरें हैं, व्हाट्सएप पे वो जो ड्राफ्ट कॉपी है वो सारा सब कुछ सीबीआई के पास में सबूत के तौर पर पहुंचा हुआ है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया के करीबी थे विजय नायर और विजय नायर वो शख्स थे जो कि सीबीआई के मुताबिक एक मुख्य साजिशकर्ता थे। विजय नायर ना सिर्फ शराब व्यापारियों बल्कि साउथ और पंजाब के जो ऐसे नेता और व्यापारी थे जो कि दिल्ली में व्यापार करना चाहते थे उनसे लगातार संपर्क में थे। 30 करोड़ से 100 करोड़ रुपए के जो रिश्वत थी वो दी गई थी और उन पैसों की जानकारी विजय नायर को थी, वो शख्स जो कि मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जाता था। कुल मिलाकर बात करें इन्हीं सबूतों के आधार पर बहुत मुमकिन है मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है और उसके बाद पूछताछ के बाद अगर सीबीआई संतुष्ट होगी तो हो सकता है सिसोदिया की गिरफ्तारी। मनीष सिसोदिया अंदर उनकी मौजूदगी है सीबीआई हेडक्वार्टर में, पूछताछ उनसे चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कह रहे हैं और हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप सभी को हम सुनवा देते हैं। ये पूछताछ नहीं है, ये गिरफ्तारी होगी और कई महीनों तक मनीष जी जैसे बता के गए हैं उनको बंद रखा जाएगा। किसी तरीके से पार्टी को दबाने की कोशिश हो रही है मगर दबेंगे नहीं। लेकिन बीजेपी कह रही है जब कर नहीं तो डर क्यों? देखिए डरने वाली बात तो ये है कि अदानी जी की इंक्वायरी की मांग पूरा देश कर रहा है। हजारों करोड़ का काला धन ले जाके विदेशों में गए, वहां से फिर शेल कंपनीज के बहाने वापस आया, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? क्यों सरकार डर रही है? अभी से आप जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये दिखाता है कि आपको पता है कि आपने घोटाला किया है, इसलिए शायद उस जांच की आंच आप तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हाँ आपने किया है तो आप बचेंगे भी नहीं, कानून अपना काम करेगा ये पक्का है। इसलिए कानून को अपना काम करने दीजिए और ये जो बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है अपने आप को दिखाने की कि हमारे साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, इसको बंद कीजिए। जो सवालों के जवाब दिए जाए पूछे जाएंगे सीबीआई द्वारा उसको आप जवाब दीजिए। डर किस बात का है? ये माहौल बनाने की कोशिश क्या की जा रही है कि अपने आप को शहीद दिखाने की जो कोशिश है वो देश की जनता समझ रही है। मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। सीबीआई ने 14 घंटे छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक किया, कुछ नहीं मिला। अगर 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई तो संपदा कोई तो पैसा मिलता। मैं आम आदमी पार्टी से इतनी नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी जी कि रोज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। भाइयों बहनों, केजरीवाल मंडली की एक और नौटंकी। पंजाब के अंदर जिन्होंने महात्मा गांधी जी की तस्वीर को सरकारी दफ्तरों में से हटा दिया, आज वो चोर की दाढ़ी में तिनका राजघाट पर महात्मा गांधी जी की शरण में जा रहे हैं चोरी करने के बाद कि कहीं ना उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो जो बार बार आग लापते हैं गिरफ्तार किया जाएगा वो नो, दे नो वेरी वेल कि वो चोर हैं, इन्होंने करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है। महात्मा गांधी श्रद्धांजलि आज 26 फरवरी, मैंने तो सोचा सुबह उठकर क्या 30 जनवरी, आज 2 अक्टूबर है आज। लेकिन एक तरफ महात्मा गांधी जी को पंजाब से राष्ट्रपिता की मूर्ति को हटा दिया गया,
अवसरवादिता के कारण, और दूसरी तरफ आज महात्मा गांधी जी के शरण में जा रहे हैं। चरित्र देखिए लोगों का कैसा है। भारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, अब ये देश और दिल्ली आपको जान चुकी है।